असलकुम माय यूट्यूब फ़ैमिली कैसे हैं आप लोग तो फ्रेंड्स रमज़ान का मुबारक महीना है और बर्तन ना निकले ऐसे हो नहीं सकता है जब हम लोग अच्छे से अच्छा डिश जब बनाते हैं तो उसके बाद फ्रेंड्स उसके पीछे जो बैकग्राउंड होता है वहाँ बहुत ढेर सारा बर्तन होता है जो वो कि मैं किसी से शेयर नहीं की हूँ ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ और ये देखिए ये हाल है जब मैं रेसिपी शेयर करती हूँ तो मैं कुछ इसका पीछे का बैकग्राउंड भी दिखा रही हूँ कि देखिए रेसिपी जब बनता है तो सब कोई खाते है पीता है मज़े करता है इन्जॉय करता है पर उसके बाद जितना बर्तन जो निकलता है ना वो भुगतना पड़ता है घर की लेडीज़ को तो जितना डिपेंड होता है जितना काम जितना डिपेंड होता है ना पूरी लेडीज़ के ऊपर में अच्छे से अच्छा खाना बनाना फिर उसके बाद ढेर सारा बर्तन धोना और ये रफ्तारी के बाद ही इतना बर्तन निकलता है फ्रेंड्स और दिन का खाना जब आप बनाएंगे उसका भी बर्तन निकलता है और अफ्तारी के बाद अगर आप बर्तन नहीं धोएंगे तो फिर आपका डिनर का बर्तन निकल जाएगा तब फिर आपको जगह ही नहीं मिलेगा कि आप कैसे काम को संभालेंगे तो ये रमज़ान का मुबारक और बरक़त वाला महीना है और इसमें तो आप मतलब बनते ही है कि आपको हर दिन एक नया स्नैक्स बनाना है और खाना है के लिए सब रोज़ा रहते हैं और मुझे भी दिल करता है कि मैं रोजेदार को अच्छे से अच्छा बना के खिलाऊं और मैं अपने सारी फ्रेंड्स को भी शेयर करती हूँ कि हो सकता है कि जो बिगनर्स हैं तो वो भी कुछ देख के नया कुछ अपना भी घर में प्रैक्टिस करें और नया कुछ बनाएँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर ही देखिए बेसन जो है सिन के वो भी बहुत ज़्यादा ग्रीजी हो जाता है बर्तन धोने के बाद बहुत चिकनाहट हो जाता है इसको भी मैं धो लेती हूँ सुबह और शाम दो टाइम मुझे धोना पड़ता है उसके बाद मैं गैस स्टोव के पास आती हूँ वहाँ पर ही भी मैं सब धो लेती हूँ वॉश कर लेती हूँ जितना आप फ्राई का काम करते हैं ना तो सब तरफ छींटा उड़ता है तो इसको आप अगर पूरा साफ कर लेंगे तो दूसरे दिन आपके लिए काम आसान होता है दूसरे दिन जब आप मॉर्निंग में जब आप कोई रेसिपी आप बनाते हो लंच का बनाते हो या फिर कुछ और काम करते हो तो आपको इतना काम जो है ना कठिन नहीं लगेगा तो ठीक है फ्रेंड्स ओके अल्लाह हाफिज़ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में भी